उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। कुछ चार पांच लोग हैं वहां जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है, तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहां रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे, और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में ज्यादा बाल बच्चे को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका ये कमेंट राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए माना जा रहा है, जिस पर हाल ही में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने नीतीश कुमार की इस टिप्पणी का जवाब किस अंदाज में दिया, जरा सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे, और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं, इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है, और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ चार पांच लोग हैं वहां जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है, जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा, 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहां रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। तेजस्वी जी, 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था उसको, 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था, तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे, और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े हैं, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। हालांकि वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले।